हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट से भी अच्छा सांभर। और ये सांभर बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अगर आपका मन करे सांभर खाने का तो फटाफट से आप ये सांभर बना करके खा सकते हैं। और इसे हमने एक ही सब्ज़ी से बनाया है, तो आपके यहाँ जो सब्ज़ी हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सांभर बनाने के लिए यहाँ पे हमने 150 ग्राम अरहर की दाल ली है। तो इसे 15 मिनट पहले हमने पानी में भिगो दिया था, इससे दाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो जल्दी पक जाती है। आप चाहे तो बिना भिगोए बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी में केवल लौकी ली है। तो दाल को हम कुकर में डाल देंगे और उसके बाद इसमें लौकी भी डाल देंगे और पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। तो यहाँ 2-3 कप हमने पानी डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक और इसमें 1/2 छोटी चम्मच सांभर मसाला और मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें लिड लगा करके 2 सीटी आने तक हम दाल को पका लेंगे। तो हाई फ्लेम पर हम 2 सीटी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 सीटी हमने लगा ली, प्रेशर निकल गया है। तो दाल जो है हमारी पक चुकी है। ये देखिए दाल जो है पक गई है, लेकिन अभी मिली नहीं आपस में। तो जब तड़का हम लगाएंगे तब ये दाल आपस में मिल जाएगी। तो देखिए इसमें जो लौकी हमने डाली थी वो गली नहीं है, इसमें दिखाई भी दे रही है। तो चलिए अब इसका तड़का हम तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही 1/2 छोटी चम्मच सरसों डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी हींग डाल देंगे और 4 हमने यहाँ पर खड़ी लाल मिर्च ली है और करी पत्ता डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे और ध्यान से डालें, क्योंकि कड़ी पत्ता डालने के बाद थोड़ा उछलता है तो जलने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे हमने 1 प्याज लिया था जिसको लंबे साइज़ में काट लिया, उसको भी डाल के इसमें हम भून लेंगे। तो इसका कलर जो है ब्राउन होने तक प्याज को पका लेना है। आप चाहे तो बारीक भी प्याज काट सकते हैं। तो प्याज ब्राउन हो गया, इसमें हमने 1 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। तो टमाटर को हमें ज़्यादा इसमें गलाना नहीं है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और उसके बाद इसमें 2 चम्मच सांभर मसाला डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च की जगह पर काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे कलर जो है अच्छा आता है। तो थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल देंगे जिससे कि मसाले जो है जले नहीं, और थोड़ा सा मसाले को हम भून लेंगे। तो मसाला जो है भून चुका है, तो अब इसमें जो दाल हमने उबाल के रखी थी उसको डाल देंगे इसमें। तो ध्यान से डालें, क्योंकि दाल डालते समय उछलती है दाल, तो छींटे वींटे पड़ने का डर रहता है, हाथ और जल जाएगा। तो अब इसको हम मिक्स कर देंगे। तो दाल जो है अभी गाढ़ी लग रही है, सांभर जो है हमारा अभी गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम पानी डाल देंगे, क्योंकि सांभर जो है थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं, जितना आपको पतले गाढ़ा रखना है। उसके बाद इसमें हम इमली का पानी डाल देंगे। इमली को हमने गर्म पानी में भिगो करके रख दिया था, उसके बाद इसका हम छान के पानी हमने निकाल लिया है। तो इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए सांभर जो हमारी बन के तैयार हो गई, कितनी बढ़िया देखने में भी लग रही है, लौकी भी नहीं गली है। तो ये इतना ये परफेक्ट है। तो इसको हमने पका लिया, 3 से 4 मिनट तक हमने पका लिया है। तो ये सांभर जो है बन के तैयार हो गया है। तो ये सांभर जो हमारा बन के तैयार हो गया है, और देखा आपने कितनी जल्दी ये सांभर बन के तैयार हुआ है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। तो इसे आप इडली या डोसे से खा सकते हैं। सांभर में हमने केवल लौकी का ही इस्तेमाल किया है। आप जात और बहुत सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाल सकते हैं, सबका बनाने का तरीका अपना अलग अलग है। कुछ लोगों को क्रंची सब्ज़ी पसंद है तो अलग से सब्ज़ी पका करके उसमें दाल का तड़का लगा देते हैं, दाल बाद में डालते हैं। तो अगर आपको इस तरह से पसंद है थोड़ा क्रंची सब्ज़ी, यानी कि सब्ज़ी ज़्यादा गले नहीं, तो आप जिस समय मसाला भून रहे होते हैं उसी समय सब्ज़ी को भून करके पका सकते हैं और उसके बाद उसमें आप दाल डाल दें। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो इस सांभर को आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैंने सांभर को इडली के साथ सर्व किया है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।